वो अनजान रेसर कौन था ये जानने के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखना। फिर आगे रेस में तीन रास्ते दिखाए जाते हैं जिसे देखने के बाद रेसर सही रास्ता ढूंढने में कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन तो डिबोन अपने तेज कानों का इस्तेमाल करके सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ठीक वैसे ही डोरेमोन और नोबिता भी पाथफाइंडर स्टिक का यूज करके सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और नोबिता और डोरेमोन को आगे रास्ते पर उन्हें एक आदमी मिलता है। वो आदमी बताता है कि उसे किसी बड़े कान वाले रेसर ने धक्का मार के रेस से बाहर कर दिया है। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं। रास्ता फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर से डोरेमोन पाथफाइंडर का यूज करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तो तभी डिबोन उन्हें वहाँ से आगे जाने के लिए मना करता है क्योंकि डिबोन को उस रास्ते पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन तो डोरेमोन डिबोन की बात नहीं मानता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर तभी डिबोन डोरेमोन की गाड़ी को धक्का मारकर उसे रोक देता है और तभी कुछ ही सेकंड्स के बाद उस रास्ते पर एक बॉम्ब फटता है जिससे नोबिता और डोरेमोन डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बॉम्ब कोई और नहीं बल्कि वही लड़की फोड़ती है जो कुछ देर पहले बैठकर किसी के साथ प्लान कर रही थी। फिर आगे नोबिता और डोरेमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिबोन बोलता है कि इस रेस में कुछ तो गलत हो रहा है, और इसी के साथ डिबोन और डोरेमोन आगे चले जाते हैं और फिफ्थ फेज में पहुँच जाते हैं। फिफ्थ फेज एक ऐसा ग्रह था जिस पर अजीबोगरीब से क्रिएचर रहते थे। फिर सिनेरियो चेंज होता है और हमें स्टेडियम के स्क्रीन को दिखाया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि अभी सिर्फ 6 रेसर ही रेस में टिके हुए हैं। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग रेस में उन अजीबोगरीब क्रिएचर से बच करके आगे बढ़ रहे हैं। और रेस के दौरान ही जियान और सुनियो को उस आदमी का वीडियो कॉल आता है और वो अमीर आदमी कहता है कि मुझ पर डिबोन हमला कर रहा है, और इतना कहते ही कॉल कट हो जाती है। ये सुनने के बाद जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जियान अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके डिबोन के पास पहुंच जाता है और डिबोन को मारने लगता है। इस वजह से जियान इस रेस में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं और डिबोन को भला बुरा बोलने लगते हैं। उसी दौरान डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है और डोरेमोन कहता है कि डिबोन भले ही जिद्दी है लेकिन वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता है। और डोरेमोन के इतना कहते ही सभी लोग चुप हो जाते हैं। और इसी दौरान अचानक से एक अजीब सा क्रिएचर आता है और सब लोगों को निगल जाता है। और उस अजीब से क्रिएचर के पेट में जाने के बाद सब लोग ये देखते हैं कि सबकी कार खराब हो चुकी है, लेकिन तो नोबिता और डोरेमोन की कार अभी भी सही सलामत थी। फिर कुछ देर के बाद जियान और सुनियो को वही बड़े कानों वाला इंसान दिखता है जिसे देखकर ये लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो बड़े कानों वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही अमीर आदमी था। और ये अमीर आदमी डिबोन की तरह इसलिए भेष बना रखा था ताकि ये अमीर आदमी कुछ भी करे उसका इल्जाम सीधा सीधा डिबोन के ऊपर लग जाए। और इसी ने डिबोन के कार में गड़बड़ी भी की थी, और ये वही आदमी था जिसने उस लड़की के साथ मिलकर इस रेस के लिए सबको चालाकी से इनवाइट किया था। और इसका कहना था कि इसने इन सबको इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि ये सब लोग छोटे थे और इसलिए ये अमीर आदमी इन सबसे आसानी से जीत सकता था। ये बातें सुनने के बाद उनमें से एक रेसर कहता है कि तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और हम तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। फिर ये अमीर आदमी कहता है कि ये ग्रह मेरा ही है और यहाँ के सभी क्रिएचर्स मेरी बात मानते हैं। और इतना कहने के साथ ही ये अमीर आदमी उस क्रिएचर के पेट से बाहर चला जाता है। ये देखने के बाद फिर सब लोग डिबोन से अपनी गलती की माफी मांगते हैं, पर डिबोन कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब वो अमीर इंसान रेस जीत जाएगा। फिर तभी नोबिता कहता है कि नहीं, हम भी रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार अभी भी सही है। और इतना सुनते ही सब लोग नोबिता की कार को बाहर निकलवाने में मदद करवाते हैं। और इसी भागा दौड़ी में नोबिता की जेब से वही फोटो नीचे गिर जाती है जिस फोटो को शुरू में डोरेमोन देख रहा था और बाद में नोबिता ने उसे अपने जेब में रख लिया था। ये वही फोटो थी। ये फोटो देखकर डोरेमोन सब कुछ समझ जाता है कि नोबिता इस रेस में हिस्सा क्यों लेना चाहता था। अब सभी लोग जियान को गाना गाने के लिए कहते हैं ताकि क्रिएचर अपने आप से कंट्रोल खो दे और इन सब लोगों को अपने अंदर से बाहर फेंक दे। फिर जियान गाना गाता है और ऐसा ही होता है। उसके बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। तब नोबिता और डोरेमोन बड़ी तेजी से रेस के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लड़की इस अमीर आदमी को वीडियो कॉल पर रेस के लिए चेयर अप कर रही थी क्योंकि अगर वो अमीर आदमी ये रेस जीत जाता तो इस लड़की के पापा जो कि एक चेयरमैन थे वो इस लड़की की शादी इस अमीर आदमी के साथ करवा देते, इसलिए लड़की इस अमीर आदमी के जीतने पर खुश हो रही थी और ये दोनों मिल करके रेस को जीतना चाहते थे ताकि इनकी शादी हो जाए। लेकिन तो इधर नोबिता और डोरेमोन बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उस अमीर आदमी के बराबर में पहुंच गए थे। उसके बाद इस अमीर आदमी ने नोबिता और डोरेमोन की गाड़ी को ढकेल दिया और खुद आगे निकल गया जिससे नोबिता और डोरेमोन पीछे हो गए। और इधर ये लड़की इस सिचुएशन का फायदा उठाते
जाते हुए पीछे के रास्ते को तोड़ दे रही थी, क्योंकि उस लड़की के हाथ में थोड़ी बहुत कंट्रोल था और रास्ता टूटने के चलते डोरेमोन और नोबिता धरती की ओर खींचे चले जा रहे थे। पर वो लोग जैसे तैसे करके इस रास्ते को पकड़ लेते हैं और रेस में दोबारा उसी अमीर आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। ये देखकर लड़की फिर से कुछ करने जा ही रही होती है कि तभी उसके पापा ये सब देख लेते हैं और उस लड़की पर गुस्सा करने लग जाते हैं। और इधर वो अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने लगता है, जिसके चलते नोबिता और डोरेमोन की गाड़ी का अगला टायर निकल जाता है। और जब वो आदमी दोबारा से इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और इनकी गाड़ी उड़ते उड़ते सीधा उसी अमीर आदमी के ऊपर जाके गिरती है, जिसकी वजह से डोरेमोन की गाड़ी और उस अमीर आदमी की कार दोनों ही टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ इधर डोरेमोन लुढ़कते लुढ़कते फिनिश लाइन पार कर देता है और ऐसे नोबिता और डोरेमोन इस रेस को जीत जाते हैं। और फिर रेस खत्म होने के बाद उस लड़की को और उस अमीर आदमी को जेल में डाल दिया जाता है। अब रेस जीतने के बाद डोरेमोन को स्टेज पर बुलाया जाता है और डोरेमोन को एक ट्रॉफी दिया जाता है और डोरेमोन से एक विश मांगने को बोला जाता है। तब जानते हो हमारा डोरेमोन जीतने के बाद क्या कहता है, ये चीज आपको भी सुननी चाहिए। डोरेमोन कहता है कि यहाँ स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से डोरा केक दिए जाए। डोरेमोन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो समझ चुका था कि कान मेरी खूबसूरती की वजह नहीं बन सकते, इसलिए वो मेरे पास हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ जाता है। और ऐसे ही इस स्पेशल एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हुई थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा।